अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम वन ईयर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी वन ईयर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में, जो कि पार्ट फर्स्ट में, मैंने ये बताया था कि वन ईयर कैलिपर क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात हुई थी, स्केल्स वगैरह पर बात हुई थी, लीस्ट काउंट को हमने डिस्कस किया था कि वन ईयर कैलिपर के लीस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम लोग रीडिंग को कैसे ले सकते हैं। तो इस रीडिंग को मेजर करने के लिए मैंने इसको दो कैटेगरीज में, दो केसेस में डिवाइड किया है कि हम किसी भी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मैंने केस वन लिया है, दूसरा मैंने केस टू लिया है। केस वन के लिए मैंने पॉइंट जो लिखा है वो ये है कि वेन द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ परफेक्टली कॉन्साइड्स विद एनी मेन स्केल डिवीजन। मतलब ये कि जो वर्नियर स्केल, जो कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कि जो उस वर्नियर स्केल का, मैंने डायग्राम ऐसी समझने के लिए बनाई है कि जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, ये मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली कॉन्साइड करेगा, तो हम उसको केस वन कंसिडर करेंगे। तो इन दिस केस वी ओनली टेक द मेन स्केल रीडिंग। हमें इस केस में जो है सिर्फ और सिर्फ मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो कि केस टू में मैं बताऊंगा कि वो भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो केस फर्स्ट है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मेन स्केल की रीडिंग को इंक्लूड करना है। मतलब ये कि ये जो ज़ीरो है, ये किसी भी मेन स्केल की रीडिंग के साथ, मैंने समझने के लिए वन के साथ बनाया, आप इसको इसके साथ भी ले सकते हैं, या ये रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर ये यहाँ पर परफेक्टली कॉन्साइड कर रहा होता, या फिर ये यहाँ पर कर रहा होता, या फिर ये आगे कहीं कर रहा होता, तो हमने वो रीडिंग को कंसिडर करना था। अभी मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी जो थ्योरी है वो इसको समझ लें। एक्चुअली ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको जो ये थ्योरी है, ये काफ़ी हेल्प आउट करती है किसी भी लॉजिक को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो थ्योरी है, ये मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि ये जो है आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में काम आ सके। तो जब आप लेंगे, तो इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मेन स्केल रीडिंग को ही यहाँ पर लिखना होगा, आपने किसी और रीडिंग को यहाँ पर नहीं लिखना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको केस वन समझ आ चुका है। अब जाते हैं अपने केस टू पर, जिसमें हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास जो केस टू है, ये हमें बताता है कि व्हेन द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ नॉट परफेक्टली कॉन्साइड विद एनी मेन स्केल डिवीज़न। मतलब ये कि ये जो आपके पास ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है, ये किसी भी मेन स्केल की डिवीज़न के साथ परफेक्टली कॉन्साइड नहीं कर रहा। जिस तरह के लास्ट केस में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर ये परफेक्टली कॉन्साइड कर रहा है ना, देखिए बिल्कुल इसके साथ ऊपर रीडिंग के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेन्स की रीडिंग, ये केस वन की हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ऊपर वाली किसी भी डिवीजन के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा, तो फिर हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये करना होगा कि इन दिस केस वी शुड यूज़ बोथ स्केल्स, डैट इज़ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल्स। आपने यहाँ पर मेन स्केल भी यूज़ करना है और वर्नियर स्केल दोनों को इस्तेमाल करना है। अब तरीका क्या होगा? तरीका इसका इस्तेमाल करने का सिंपल है कि आपने इसको जो रीडिंग है वो लेने के लिए आपने यहाँ से स्टार्टअप लेना है। मतलब ये कि आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो आपको पता है कि ये 1 सेंटीमीटर के, अगर मैं पूरा देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ 0 से लेकर 1 तक जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3, एंड देन अप टू सो ऑन। डिविजन्स की जो डिविजन्स की जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, मतलब कि ये एक प्रॉपर स्केल पर मैंने नहीं दी, सिर्फ समझने के लिए। तो आपने देखना है कि पहले जो सेंटीमीटर है इसमें मेरे पास 10 मिलीमीटर्स आ रहे हैं, फिर ये 20 मिलीमीटर्स यहाँ तक हो जाएगा, 30 मिलीमीटर्स, एंड देन अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखें आप कि आपने सबसे पहले जो रीडिंग देनी है वो आपने मेन स्केल की लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग देने के लिए आपने ये करना होगा, 0 से पहले वाली डिवीज़न कौन सी है, ठीक हो गया, ये यहाँ पर आपने स्टॉप कर जाना है, मतलब कि यहाँ पर आपने रुक जाना है। इससे पिछली जो डिवीजन्स है वो सारी काउंट कर लें, मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब ये कि ये मेरे पास आ रही हैं 17 डिवीजन्स। तो 17 जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो मेरे पास होगी 17 मिलीमीटर्स।
मतलब ये कि जो मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो मेरे पास 17 मिलीमीटर्स आ रही है। अब जो ये जो ज़ीरो है थोड़ा सा आगे है, मतलब ये है कि ये हमारे पास, अगर मैंने इसको ज़ूम करके थोड़ा सा देखूं तो ये जो ज़ीरो है ये इस डिवीज़न से थोड़ा सा आगे है, तो मुझे ये छोटा सा जो डिस्टेंस है इसके और इसके दरमियान में जो छोटा सा डिस्टेंस आ रहा है इसको फाइंड आउट करना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे वर्नियर स्केल की, यानी कि जो नीचे वाला स्केल है, ये नीचे वाला स्केल जो है, इसकी हेल्प लेनी होगी। और इस हेल्प लेने के लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न, तो के वर्नियर कैलिपर की कौन सी डिवीज़न जो है वो परफेक्टली कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल की डिवीज़न के साथ। तो अगर मैं इसको रीड आउट करना चाहूँ तो मैंने ख़ुद से कोई डिवीज़न ली है, प्रैक्टिकली जो मैं आपको बताऊँगा वो थोड़ा सा वो भी इसी तरह ही होगा, लेकिन जो समझने के लिए है वो ये है कि आपने इधर से डिवीज़न देखते जाना है, मतलब कि डिवीज़न कौन सी है, लेट्स से कि ये डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, ये इसके साथ परफेक्टली कॉन्साइड कर रही है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना है कि जो परफेक्टली कॉन्साइड डिवीज़न है इस पर मैंने, मतलब कि यूं पेन को रख कर बाकी जो सारे डिवीज़न है इसको गिनना है। यहाँ से पेन रख दिया मैंने और यहाँ से मैंने पेन के आगे से स्टार्टअप लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब ये कि मैंने ज़ीरो तक आना है और मेरे पास ज़ीरो तक जो यहाँ से डिवीज़न्स आ रही हैं वो मेरे पास आ रही हैं 15। और ये जो मैंने वर्नियर स्केल लिया है इसका जो लीस्ट काउंट है, इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो मैंने 0.02 लिया है, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी वो 0.02 मिलीमीटर वाले लीस्ट काउंट के लिए की थी। और जो ये वर्नियर कैलिपर है मेरे पास जिससे मैं भी आपको बताऊँगा, इसका भी लीस्ट काउंट जो है वो 0.02 मिलीमीटर ही है। तो समझने के लिए कि जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो डिवीज़न्स आ रही हैं वो मेरे पास 15 आ रही हैं, तो मैंने करना ये है सिंपल कि उस 15 को यहाँ पर इस 0.02 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब मैं 0.02 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 0.3। मतलब ये कि मैं जिस वक्त इसको 15 को 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा आंसर 0.03 मिलीमीटर। अब मैंने क्या करना है कि मैंने टोटल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए मैंने मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ ऐड अप कर देना। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि 17 mm प्लस 0.3 mm, तो मेरे पास इससे आंसर आएगा 17.3 mm। यानी कि मेरे पास फिर कोई इस तरह की कंडीशन हो तो मेरे पास जो ये कंडीशन है इसका जो आंसर आएगा, यानी कि रीडिंग का जो आंसर आएगा वो मेरे पास 17.3 आएगा। मतलब ये कि आपने सबसे पहले मेन स्केल देखना है, मेन स्केल देखने का जो तरीका है वो आपने यही करना है कि आपने 17 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से आपने जो पहली रीडिंग है, मतलब कि ज़ीरो से पिछली जो डिवीज़न आ रही है, आपने वहाँ तक देखना है कि वो कितनी डिवीज़न ज़ीरो से लेकर यहाँ तक होती हैं, आपने वो टोटल डिवीजन्स को काउंट करना है। एंड देन फिर जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको आपने फाइंड आउट करने के लिए आपने लीस्ट काउंट का सहारा लेना है, यानी कि मैंने आपको बताया है कि जो फिर उसके बाद आपने वर्नियर स्केल को कैसे रीड करना है वो सारा बता दिया। फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों रीडिंग को एडअप कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 17.3 मिलीमीटर आएगा। तो ये हमारे पास केस टू हो गया। केस टू में आपने मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल को दोनों को लेना होता है। जो केस वन है इसमें आपने सिंपल मेन स्केल को रीड करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि आप इसमें देख लें कि इसका जो रीडिंग है इसका आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास। तो आपने इसको रीड कर लिया होगा, आई होप कि इसका जो आंसर है, जब मेन स्केल रीड करना वो तो आसान है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि मेरा यही मकसद था कि मैं इस केस टू को सॉल्व करने के बाद केस वन पर आऊं और आपसे ही रीडिंग लेने का। तो आई होप कि आपका आंसर जो है वो यही होगा कि ये यहाँ तक आपके पास जो रीड ज़ीरो जहाँ पर परफेक्टली कॉन्साइड कर रहा है तो ये आपके पास 1 आ रहा है। आपने यहाँ से पीछे डिविजन्स गिननी है तो ये आपके पास 5 एंड देन 5, 5 प्लस 5, मतलब कि ये सारी 1 सेंटीमीटर पूरा, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स आते हैं। तो आपका आंसर आई होप के 10 मिलीमीटर्स ही आपने सोचा होगा। अगर कि आपको समझ नहीं आई तो आप पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करें एंड देन देखें उसमें
आपको कहाँ पे समझ नहीं है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिल जाए। गाइज अगर कि मुझे किसी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग फाइंड करनी है तो मुझे वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले जीरो एरर देखना होगा। आपने ये देखना होगा कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये मेन स्केल के जीरो के साथ अगर परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है तो इसमें जीरो एरर नहीं है हमारे पास, और अगर कि ये नहीं कर रहा तो इसमें जीरो एरर है। जो जीरो एरर के बारे में मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा पार्ट थर्ड में, तो वो आपने लाजमी देखनी है कि ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन जो है हम वो कैसे रीडिंग में करते हैं। तो अभी नॉर्मल रीडिंग लेना सीखते हैं कि प्रैक्टिकली हम रीडिंग कैसे लेते हैं और आया हमारी रीडिंग जो है वो केस वन में आ रही है या फिर केस टू में आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कल मैंने आपको ये सिलेंडर बताया था, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट है और मैं इसको इसके दो जॉस में प्लेस करता हूँ। इस तरह से मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया और फिर मैं इसकी रीडिंग लेने के लिए जो ये जो ऊपर वाला नॉब है इसको मैं फिक्स कर लूँगा। इसको टाइट करने से ये होगा कि आपको रीडिंग लेने में आसानी होगी। और आपने ये करना है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को निकाल लेना है, ठीक हो गया। जब आप ये निकाल लेंगे तो आपके पास जो ये ज़ीरो है ये आपके पास मेन स्केल की एक जो डिवीज़न है ये वाली डिवीज़न इससे परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये कि ये जो ज़ीरो है ये फाइव से जो सेकेंड वाली डिवीज़न है इससे परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो मतलब ये कि ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है 50 हो गई। और यहाँ से आपके पास जो है ये 1 और 2, तो मतलब ये कि आपके पास जो रीडिंग आ रही है ये केस वन आ रहा है जिसमें हमने सिर्फ मेन स्केल को देखना होता है, क्योंकि केस वन में ये होता है कि अगर हमारे पास परफेक्टली कोइंसाइड कर जाता है तो फिर हमने इसकी रीडिंग लेनी होती है। तो मेरे पास जो इसका आउटर डायमीटर आ रहा है वो मेरे पास आएगा 52 मिलीमीटर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इसकी जो आउटर डायमीटर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 52 मिलीमीटर्स, ठीक हो गया। अब अगर कि मैं इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इसको बंद करके इसी सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर लेना है। तो इसको इसके अपर जॉस में रख देंगे, ठीक हो गया। और जिस वक्त रखेंगे तो इसको हमने इस तरह से रखने के बाद फुल खोल के, ठीक हो गया, आपने इसको इस तरह से जो जो अपर नॉब है इसको आपने टाइट कर लेना है, टाइट कर लेंगे। अब ये निकाल लेंगे, निकालना ज़रूरी नहीं होता लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूँ कि निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके पास रीडिंग लेने में आसानी होगी। अब आप देखें कि ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का ये यहाँ पर हमारे पास 5 से पीछे है, ठीक है, और जो ये 49 डिवीज़न बनेगी हमारे पास, 49 डिवीज़न से एक स्टेप हमारे पास क्या है आगे है। मतलब ये कि यहाँ से ये 10, 20, 30, 40, 50, मतलब कि 50 पूरा नहीं है, ये आपके पास जो डिवीज़न आ रही है ये आपके पास आ रही है 49 आ रही है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो मेन स्केल की जो डिवीज़न आ रही है वो मेरे पास आ रही है 49 mm। अब आपने ये देखना है कि मेन स्केल की कौन सी डिवीज़न जो है वो ऊपर वाली के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ से आप देखते जाएं, बिल्कुल देखते जाएं, तो जिस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर आ रही है, केयरफुली देखेंगे तो हमारे पास ये 8th डिवीज़न जो है ये 8th डिवीज़न थोड़ी सी पीछे है, और 8th डिवीज़न से, बल्कि 8th डिवीज़न ही 8th डिवीज़न से जो अगली डिवीज़न है ये हमारे पास परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो आपने यहाँ से गिनना है, मतलब ये कि यहाँ से आप काउंट कर लें तो ये आपके पास 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 आ जाएंगे आपके पास। मतलब ये कि आपके पास जो वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न आ रही है वो आपके पास आ रही है 40 × 0.02 mm। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 0.0 डट लगा दें आप इसको सॉल्व कर लें तो इससे आंसर आएगा 280.8 mm आपके पास इससे आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है कि सिंपल ये करना है आपने कि इस जो 0.8 है आपके पास 0.8 और 49
इन दोनों का आपने क्या करना, ऐड कर देना, तो आपके पास जो आंसर होगा 49 प्लस 0.8, तो आपके पास आंसर आएगा 49.8 mm आंसर आ जाएगा, यानी कि आपके पास 49, दोबारा यहाँ पे मैं साफ़ करके देख देता हूँ आपको, 49 प्लस 0.8 mm आपके पास, ये भी mm में आपके पास, तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 49.8 mm में, सही हो गया। तो ये आपके पास, मैंने इसका इंटरनल डायमीटर आपको मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिया है कि जो मेरे पास इंटरनल डायमीटर है वो 49.8 मीटर आ रहा है, और जो इसका आउटर डायमीटर था वो मेरे पास 52 मिलीमीटर्स आ रहा था। तो इस तरह से इसकी रीडिंग दी जाती है। अगर स्टिल आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको आंसर इसका रिस्पांस दिया जाएगा। आसान है इसकी रीडिंग देना, और ये है कि ये डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कि लैब्स में जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक्चुअल रीडिंग मालूम होनी चाहिए, मतलब कि प्रिसाइज रीडिंग हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और सुन लें एक बात।